नमस्ते। ये पूरा सूर्य कुकर है जो राजकोट के प्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गस्थ अभी नहीं रहे हमारे बीच वेलजी भाई देसाई ने बनाया है। उनका कंसेप्ट था सा कि सोलार की एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो दैवी एनर्जी है। दैवी एनर्जी का अनेक जगह पर उपयोग करें, तो यहाँ ये एक उसके जो साइंस के आधार पर ये बनाया है सोलार का सूर्य कुकर। ये और सूर्य कुकर से अलग है, इसमें और कुछ करना नहीं है, ऐसे ही रख देना है। अब क्या होगा कि जैसे इसमें एक बड़ा पतीला रख देते हैं तो 50 लोगों का चावल इसमें हो जाएगा। इसका देखिए रखने का साइज बताइए। अब क्या करना है इसको कि अभी देखिए सन नहीं है, अभी लगभग 2 बजे है, 12 बजे सन आता है तो इधर आता है, तो इसको हम इस तरह से सेट करते हैं इस तरह से, और इसको सेट करके जो यहाँ हीट हो उस तरह से सेटिंग आती है। इसका जब छांव इधर पड़े तो इसको सेटिंग कहा जाता है, इधर सेटिंग हो जाता है, बराबर है। तो अभी यदि करना है तो इसको वहाँ ले जाना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर छांव आ गई है, धूप नहीं है, वहाँ धूप है तो अभी वहाँ सेटिंग होगा। अभी 12 बजे इधर अच्छा है तो इधर रखा है, 12 बजे इधर सेट हो गया, इधर पतीला लग दिया तो इधर चावल बन जाता है, 40 से 50 लोगों का चावल बन जाता है इसमें। कितना टाइम लेता है आचार्य इसमें? लगभग ये ऋतु के अनुसार है, अभी ठंड होती है तो लगभग 1.5 घंटा होता है, 1.5 से 2 घंटा, लेकिन गर्मी होती है तो 1 घंटे में हो जाता है। जैसे समर की सीजन है तो 1 घंटे में हो जाएगा इसमें से। दूसरा, कोई भी वस्तु गर्म कर सकते हैं, जैसे इसमें पानी गर्म करना है कर सकते हैं, जैसे वो वेसल्स चाहिए इसमें रखने के लिए, कोई किसी भी प्रकार का वेसल, तो वो पानी दूध से मक्खन से घी बना सकते हैं इसमें, तो गर्म करने के लिए देने होता है तो वो बनता है। फिर औषधीय घी बना सकते हैं। तो हीट यहाँ पर ये जो होती है वो सूर्य की आएगी। तो आयुर्वेद में 2 प्रकार की अग्नि का वर्णन है, जैसे शिलाजीत हम लेते हैं तो शिलाजीत 2 प्रकार का आता है, एक अग्नितापी आता है, एक सूर्यतापी आता है। अग्नितापी में क्या होता है, शिलाजीत को लेकर उसके बाद अग्नि में उसके पानी में शुद्ध करते हैं तो उसको अग्नितापी कहते हैं, क्योंकि पानी को अग्नि में रखा, अग्नि के ऊपर रखा, फिर शुद्ध किया। दूसरा, ओरिजिनल रूप से जो सूर्य का प्रकाश आया और पर्वत पर पड़ा, पर्वत पर वो शिलाजीत होता है, वो बंदर वगैरह आते हैं तो वो खाते हैं और थोड़ा गिरा देते हैं, तो वो जो हीट होकर जो पत्थर से निकला सूर्य की हीटिंग से, उसको सूर्यतापी कहते हैं। तो आयुर्वेद में उत्तम गुण वाला होता है वो सूर्यतापी होता है, अग्नितापी से ज़्यादा, तो क्योंकि सूर्य की दैवी एनर्जी है, ये मानवीय एनर्जी है, बराबर है। तो ये भौतिक है वो दैवी है, अग्नि भौतिक है, मतलब वो मटीरियल अग्नि है, ये हमारी जो अग्नि है वो दैवी है, तो वो रात को जला सकते, उसको रात को नहीं जला सकते, वो हमारे अधीन है, गुलाम है, वो गुलाम नहीं, उसका टाइम पर ही उपयोग करना होगा हमको, वो जब चाहे तब हम उसको हिला नहीं सकते, उसको 12 बजे तो 12 बजे यूज़ करना होगा, वो इसका मानसून में यूज़ नहीं कर सकते। मानसून में मतलब जो गर्मी ने, मतलब ये नहीं है जब बादल है तो इसका यूज़ नहीं कर सकते, समझ गए। तो वो हमारे अधीन है, ये हमारे अधीन नहीं है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी रूप में परावर्तित करके यूज़ कर सकते हैं, तो हम करते हैं लाइटिंग वगैरह में, लेकिन वो इसमें नहीं चलेगी, इसका तो जो लाइव है वही होगा। तो ये क्या है, लाइव एनर्जी का हम यूज़ करते हैं इसमें। मेटल कौन सा यूज़ करना है इधर? ये मेटल है ना, वो लोहे है, लोहा है ऊपर, और ये जो है मिट्टी का बर्तन चलेगा इसमें? इसमें मिट्टी का चलेगा, लेकिन सबसे उत्तम इसमें है वो भोजन के लिए बताया है वो जो पीतल है, दूसरा अभी जो लौकिक है वो स्टील कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा है पीतल या फिर स्टील, इसके लिए एमिशन के लिए नहीं, इसमें कोई भी चलेगा, मिट्टी का बर्तन भी, मिट्टी चलेगा लेकिन मिट्टी में देर लगेगी, लेकिन मिट्टी चलेगा, लेकिन मिट्टी में आपको ध्यान रखना है कि बहुत बड़े यदि लोगों का करना है, बहुत लोगों का करना है तो वो इस पर ज़्यादा वेट की कैपेसिटी कम होती है, लेकिन अच्छा मिट्टी वाला बनाया आपने तो मिट्टी भी चलेगा, ये मिट्टी के भी बन सकता है, इसमें कुछ नहीं है, ये हीट जैसे गैस पर होती है ऐसे इस पर आएगी, जैसे गैस पर कुछ गर्म होगा तो इस पर होगा, उतना ही है, ये सिंपल है, इधर से हीटिंग ही आती है, ये केवल सन की एनर्जी को लेकर वो हीटिंग देता है। और इसमें एक बात खास याद रखनी, इसको सीधा इसमें नहीं जाना चाहिए, नहीं रेटिना को हमारे नुकसान हो सकता है। ओके, 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 ओके।
इसको अभी अभी रिफ्लेक्शन नहीं आता है, लेकिन जब रिफ्लेक्शन आता है ना तब आप सहन नहीं कर सकते, उतना रिफ्लेक्ट होता है। ओके ओके ओके, ये केयरफुल रहना है। हाँ, ये केयरफुल लेना होता है, बस उतना ही कि इसको इस तरह से कर, बस बाकी पूरा। ओके, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ऐसा डोमेस्टिक वर्जन भी है, वो वहाँ देखेंगे।